आज पे पंचम नमूना प्रश्नपत्र आलोचना करी जोटा कि प्लस टू द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान छात्र छात्री मानक पॉलिटिकल साइंस छात्र छात्री मानक संभावित एमसीक्यू प्रश्न जोटा कि एमसीक्यू प्रश्न वन आलोचना करी 2021 नुआ प्रश्न जानटा अनुसार यूट्यूब @mycss क्लास को जाई तुम्हें बहुत गुड़े एमसीक्यू तुम पाइपर 50 मार्क एमसीक्यू जोटा आस 50 50 तुम्हें पापर पे 50% मार्क को हासिल कर मो संगे प्राक्टिस कर पाने जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब करदे बेल आइकन जे ऑल करदे सबूगुड़ मेसेज तुम पाक आसो केबे कौन क्लास होमसीक्यू प्रश्न कि अलग प्रश्न दुई मार्क प्रश्न तीन मार्क प्रश्न लंग क्वेश्चन सबकि MySCHS क्लास को जाए यूट्यूब चलो पे देखा आज एमसीक्यू कौन कौन प्रश्न अच्छी समस्त लाइव चैट बक्स में आंसर देव एवं समस्ते गोटे आनंदर सहित आगे जीव चलो देखा कौन कौन प्रश्न अच्छी प्रथम प्रश्न पे स्क्रीन उपर निम्नोक्त मध्यरु क्यों देशरे बहु दलीय व्यवस्था प्रचलित क्यों देशरे बहु दलीय व्यवस्था प्रचलित स्विट्जरलैंड बी युक्तराज्य युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन पे देख चीन रे तो एक दलीय व्यवस्था प्रचलित यहाँ तो कटिगला युक्तराष्ट्र अमेरिका रे दुई दलीय व्यवस्था यहाँ भी कटिगला तेल कौटा हम युक्त राज्य भी हमने कौटा हम पे तो उत्तर हूँ स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड रे बहु दलीय व्यवस्था प्रचलित देखिए परवर्ती प्रश्न क्यों प्रधानमंत्री समय 73वां संशोधन गृहीत होता 73वां संशोधन आईन गृहीत होता राजीव गांधी वीपी सिंह चंद्रशेखर पीवी नरसिंह राव पे 73वां संशोधन सेटा कौन साहित्य शासन पर बहुत उद्दिष्ट साहित्य शासन जो परिवर्तन होता तेणु देखा कौन उत्तर हम उत्तर हूँ पीवी नरसिंह राव ये पीवी नरसिंह राव को समय रे पीवी नरसिंह राय को समय रे 1970 भाई जो 73वां संशोधन होता संविधान संशोधन होता देखा परवर्ती प्रश्न हूँ निम्नोक्त मध्यरु क्यों गुटिक पंचशील नीतिर अंतर्भुक्त नुहे क्यों गुटिक पंचशील नीतिर अंतर्भुक्त नुहे तेणु तो पंचशील नीतिर अंतर्भुक्त नुहे कही पे मैंने नुहे तो शांतिपूर्ण सहावस्थान आंचलिक अखंडता प्रति सम्मान समानता पारस्परिक हित और हस्तक्षेप कौन हम उत्तर कौन हम पे उत्तर हूँ हस्तक्षेप यहीटा हस्तक्षेप पंचशील नीतिर अंतर्भुक्त नुहे शांतिपूर्ण सहावस्थान अच्छी आंचलिक अखंडता प्रति सम्मान अच्छी समानता पारस्परिक हित अच्छी हस्तक्षेप जोटा करवा कहारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करवा यहाँ पंचशील नीतिर अंतर्भुक्त नुहे देखिए परवर्ती प्रश्न प्रत्यक्ष गणतंत्र माध्यम गुड़िक है प्रत्यक्ष गणतंत्र माध्यम गुड़िक है कौन कौन है प्रत्यक्ष गणतंत्र माध्यम गुड़िक गण मतामत ग्रहण गण उद्योग प्रत्याहार गण मतामत गण ग्रहण गण उद्योग प्रत्याहार पे डीटा तुम जाच ऑलरेडी उत्तर हूँ डी कहीं गण मतामत ग्रहण गण उद्योग प्रत्याहार ये तीनोटी प्रत्यक्ष गणतंत्र हूँ माध्यम या परवर्ती प्रश्न पंचशील चुक्ति भारत और चीन मध्य केबे स्वाक्षरित होता बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पे पंचशील चुक्ति भारत और चीन मध्य केबे स्वाक्षरित होता 1954 1955 1969 1960 कौन हम उत्तर उत्तर हूँ 1954 ये 1954 मसीह पंचशील नीति भारत और चीन मध्य स्वाक्षरित होता देखिए परवर्ती प्रश्न हूँ भारत में 2011 जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता हार के पुरुष साक्षरता हार के 82.33% ना 82.14% ना 81.33% ना 83.14% कौन हम उत्तर कौन हम पे उत्तर हूँ 82.14% देखिए परवर्ती प्रश्न केवल निज अंचल विकास चाहूवा मतदान बा मतवाद क्यों नाम परिचित यहाँ तो बहुत इजी प्रश्न पे निज अंचल विकास चाहते लोक मैंने केवल निज अंचल को भल पाचल को नुहे निज अंचल विकास चाहूवा कौन कहती से मतवाद को आंचलिक उत्कर्षता आंचलिकतावाद आंचलिक असंतुलता आंचलिक संघर्ष कौन हम उत्तर हूँ आंचलिकतावाद
उत्तर आंचलिकतावाद। परवर्ती प्रश्न देखिबा, भारत रे कौनसी व्यक्ति पढ़ी लिखी पारिले तांको कौन कहा जाए, भारत रे कौनसी व्यक्ति पढ़ी और लिखी पारिले तांको कौन कहा जाए, अशिक्षित अर्धशिक्षित शिक्षित बा स्वाक्षर उत्तम नागरिक, कौन हम उत्तर, उत्तर हूँ शिक्षित बा साक्षर, माने से शिक्षित बा साक्षर बोली कहा जाए जे पढ़ी और लिखि पारिले। देखिए परवर्ती प्रश्न, गणतंत्र रे संप्रसारण जनित समस्या क्यों प्रसंग गुड़िक सूचित करथाय, क्यों प्रसंग गुड़िक सूचित करथाय, संप्रसारण जनित समस्या, स्थानीय साहित्य शासन संस्था को अधिक क्षमता प्रदान करिबा, सबु स्थान रे गणतंत्र मौलिक नीतिर प्रयोग, निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे महिला और संख्यालघु श्रेणी अंतर्भुक्तिकरण, उपरोक्त समस्त प्रसंग, कौन हम उत्तर, उत्तर होउछि कौन ना उपरोक्त समस्त प्रसंग, तो गणतंत्र संप्रसारण जनित समस्या उपरोक्त समस्त प्रसंग। देखिए परवर्ती प्रश्न, गोटे जातिर अधिक प्रभाव और उपयोग को कौन कहा जाए, गोटे जातिर अधिक प्रभाव उपयोग को कौन कहा जाए, जातिवाद, जातिगत बावच्छ श्रेणी, जातिर आधिपत्य, जाति संघर्ष, कौन कहा जाए, उत्तर हो जातिवाद कहा जाए, उत्तर गोटे जातिर जमीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तेणु आगु ब्राह्मण जातिर अधिक प्रभाव थिला, तेणु अधिक प्रभाव उपयोग कौन कह जातिवाद कहा जाए। देखिबा एक संघीय राष्ट्र रे किए केन्द्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करिथाय, एक संघीय राष्ट्र रे, एक संघीय राष्ट्र रे किए केन्द्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करिथाय, केन्द्र सरकार, केन्द्र और राज्य सरकार का मिलित समिति, लिखित संविधान, उच्चतम न्यायालय, किए पिला माने उत्तर होचे लिखित संविधान, तो लिखित संविधान एइबडी भाव रे केन्द्र राज्य मध्य क्षमता बंटन करिथाय, ए जो केन्द्र राज्य मध्य क्षमता बंटन कर कौन संघीय राष्ट्र तैयारी करिथाय, ए लिखित संविधान ही। देखिए परवर्ती प्रश्न, क्यों माध्यम रे केन्द्र सरकार राज्य मानंकु अर्थ जोगाई दियंती, क्यों माध्यम रे, क्यों माध्यम रे, ऋण माध्यम रे, विनियोग पत्र अनुमान रे, लेटर ऑफ क्रेडिट माध्यम रे, अनुदान माध्यम रे, कौन उत्तर, उत्तर होची अनुदान माध्यम रे, तो अनुदान माध्यम रे केन्द्र सरकार राज्य मानंकु अर्थ जोगाई दियंती। देखिबा परवर्ती प्रश्न, ड्यास साहित्य शासन लक्ष्य अटे, साहित्य शासन लक्ष्य कौन, क्षमता केन्द्रीकरण, गणतंत्र प्रतिष्ठा, एक छत्रवादी शासन, क्षमता विकेन्द्रीकरण, कौन हम उत्तर, उत्तर हूँ कौन क्षमता को विकेन्द्रीकरण, जो क्षमता जो सेंटर हाथ में थाए से क्षमता को विकेन्द्रीकरण करवा डिवाइड करवा जहाँफल कि साहित्य शासन लक्ष्य अटे, साहित्य शासन में जोटा कि ग्राम एवं सहर रे बा जिले रे कौन हम ना कौन सी विकेन्द्रीकरण बा क्षमता क्षमता दिजिव तुम तेणु मान ग्रासरूट लेवल रे बा तोलिया स्तर श्रेणी रे मध्य तोलिया स्तर रे मध्य लोक माने निज निज को शासन करें, तो साहित्य शासन गणतंत्र गोटे बहुत माने प्रचेषा मुताबक अंग। देखिबा परवर्ती प्रश्न, साहित्य शासन को ड्यास मूलभित्ति कहा जाए, साहित्य शासन ड्यास मूलभित्ति कहा जाए, एक छत्रवाद, आभिजत्यतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, कौन हम उत्तर, साहित्य शासन ड्यास मूलभित्ति कहा जाए, गणतंत्र मूलभित्ति कहा जाए। देखिए परवर्ती प्रश्न, एक लक्ष रु ऊर्ध, एक लक्ष रु ऊर्ध लोक संख्या विशिष्ट नगर गुड़िक साहित्य शासन संस्था को ड्यास कहा जाए, निगम, म्युनिसिपालिटी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, कौन हम उत्तर, उत्तर हूँ कौन ना उत्तर हूँ निगम, ता कौन कहा जाए निगम कहा जाए, तेणु एक लक्ष रु ऊर्ध लोक संख्या विशिष्ट नगर गुड़िक साहित्य शासन संस्था को निगम बोली कहा जाए। देखिए परवर्ती प्रश्न, ओडिशार वर्तमान ड्यास टी कॉर्पोरेशन रही, केतोटी कॉर्पोरेशन रही, ओडिशार वर्तमान ड्यास टी कॉर्पोरेशन रही, तीनोटी, चारोटी, दुईटी, पांचोटी, कौन हम उत्तर, उत्तर होची पांचोटी, तो पांचोटी कॉर्पोरेशन रही। देखिए परवर्ती प्रश्न, निगम मुख्य को ड्यास कहा जाए, निगम मुख्य को ड्यास कहा जाए, मेयर, चेयरमैन, सभापति, अध्यक्ष, का कौन कहा जाए, निगम मुख्य को मेयर कहा जाए, पे निगम मुख्य को मेयर कहा जाए। ठीक परवर्ती प्रश्न, नगरपालिकार मुख्य को ड्यास कहा जाए, आंसर दियो पे नगरपालिकार मुख्य को ड्यास कहा जाए, मेयर, नगरपाल, सभापति, अध्यक्ष, कौन कहा जाए, उत्तर हूँ कौन नगरपाल कहा जाए, नगरपाल कहा जाए, नगरपालिकार मुख्य को नगरपाल बोली कहा जाए। देखिए परवर्ती प्रश्न, परवर्ती प्रश्न हूँ कौन ना छोट छोट सहर मानक साहित्य शासन संस्था को ड्यास कहा जाए, छोट छोट सहर मानक साहित्य शासन को ड्यास कहा जाए,
NSC বা বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ মিউনিসিপালিটি নিগম জেলা পরিষদ ছোট ছোট শহর মানকরে থিবা স্বায়ত্তশাসন সংস্থা কোন কোয়া যায় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা কো NSC কোয়া যায় বা বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ কোয়া যায় দেখে পরবর্তী প্রশ্ন ওড়িশার স্বায়ত্তশাসন অনুষ্ঠান মানকরে মহিলা মানক পাই ড্যাশ প্রতিশত স্থান সংরক্ষিত হয়েছি তে রিজর্ভেশন অছি মহিলা মানক রিজর্ভেশন অছি পিলা মানে তে রিজর্ভ অনুসারে কতটি সিট মানে কেতে পরসেন্ট সিট রিজর্ভ হয়েছি এই ওড়িশার স্বায়ত্তশাসন অনুষ্ঠান মানকরে মহিলা মানক পাই ড্যাশ প্রতিশত স্থান সংরক্ষিত হয়েছি তে কোন হব উত্তর হচ্ছে কোন না উত্তর হচ্ছে 50% উত্তর কোণ হব উত্তর হচ্ছে প্রত্যা 50% তো 50% স্থান সংরক্ষিত হয়েছি দেখে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে অর্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি নিম্নোক্ত কেউ উপাদানক সূচিত করে অর্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি কেউ উপাদানক সূচিত করে মুন্ডপিছা উৎপাদনর বৃদ্ধি মুন্ডপিছা আয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সাংগঠনিক পরিবর্তন উপরোক্ত সমস্ত উপাদান উত্তর কোণ হব উপরোক্ত সমস্ত উপাদান মুলি যেটা উপরোক্ত সমস্ত উপাদান যদি অনেক চিন্তা করব পিলা মানে তো মুন্ডপিছা উৎপাদন বৃদ্ধি মুন্ডপিছা আয় বৃদ্ধি আউ অর্থনীতির সাংগঠনিক পরিবর্তন এই সবগুড়ি আসিযোগ অর্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি নেক্সট প্রশ্ন দেখিবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাহাকু নির্দেশিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাহাকু নির্দেশিত করে বৈষয়িক কৌশল উপযোগর উন্নতি উৎপাদনের উন্নতি বন্টন প্রক্রিয়ার উন্নতি না উপরোক্ত সমস্ত উপাদান কোণ হব উত্তর পিলা মানে তো অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাহাকু নির্দেশিত করে তেণু উত্তর কোণ হব উত্তর হচ্ছে উপরোক্ত সমস্ত উপাদান তো উপরোক্ত সমস্ত উপাদান এগুলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাহাকু নির্দেশ করে না বৈষয়িক কৌশল উপযোগর উন্নতি উৎপাদনের উন্নতি বন্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে উন্নতি এগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাকে নির্দেশিত করে দেখবা পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নতম মধ্যে কেউ সমাজ সংস্কারক ভারতর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ ক্ষেত্রে প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করে কি সতীদাহ প্রথা পিলা মানে এই যে সতীদাহ প্রথা তুমি জাণিচ পিলা মানে সতী তেণু মানে কোণ স্বামী মৃত্যুবরণ কলাপরে আগুরু লা সেটা স্বামী মৃত্যুবরণ কলাপরে স্ত্রী কোণ না সতী দাহ করুলা সতী হওয়া নিজক দাহ করে দেওয়া সেই জুইরে বা সেই নিয়ারে দাহ করে দেওয়া নিজক তেমন কি উচ্ছেদ করে কি কাহা বলরে বা কাহা কেউ সংস্কারক বলরে বা সে প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী না রাজা রামমোহন রায় না স্বামী বিবেকানন্দ না স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী কোণ হব উত্তর উত্তর হচ্ছে কোণ পিলা মানে রাজা রামমোহন রায় রাজা রামমোহন রায় দেখিয়া পরবর্তী প্রশ্ন কেউ ইংরেজ বড়লাট ভারতর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করে তেমন কেউ বড়লাট রাজা রামমোহনটা তো সংস্কারক লে কিন্তু কেউ বড়লাট কেউ বড়লাট প্রচেষ্টার সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল লর্ড কর্নওয়ালিস লর্ড রিপন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক লর্ড ক্যানিং কোণ হব উত্তর উত্তর হচ্ছে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং সিমি জনে সমাজ সংস্কারক লে কেউ বড়লাট লে ভারতর বড়লাট লে কেউ মাসিয়ারে ভোপালর বেগম নিখিল ভারত মুসলিম মুসলিম মহিলা সম্মিলনী গঠন করে কেউ মাসিয়ারে ভোপালর বেগম নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সম্মিলনী গঠন করে 1856 1890 1905 1916 কোণ উত্তর উত্তর হচ্ছে কোণ পিলা মানে উত্তর হচ্ছে 1916 মাসিয়ারে এই 1916 মাসিয়ারে 1916 মাসিয়ারে বেগম বা ভোপালর বেগম নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সম্মিলনী গঠন করে পিলা মানে এই যে ইম্পর্টাট ইম্পর্টাট ইয়র গুড়ি সে ইয়র গুড়ি ইম্পর্টাট ইম্পর্টাট ইয়র বা মসিয়া গুড়ি তুমি লিখিদেব গোটে কাগজরে কাগজরে লিখি তুমি কোণ করব পড়া রুম্রে কাঁথরে মারিদেব কাঁথরে কোণ পেস্ট করেদেব যাফলে কি বারম্বার সেগুলি দেখব বারম্বার দেখলে তোমার মনে রহব এইভাবে ভাবে মনে রাখব পিলা মানে আজ মু কোণ গ্রুপ ওয়ান বা 25টি প্রশ্ন আলোচনা কলি পিলা মানে তেণু নেক্সট মু পুনি আলোচনা করবি তেণু সমস্তে মো সহ জুড়ি রুহ আগুক বড় এবং পাঠ পড় মন দিয়ে এবং এক্সাম পাই প্রিপেয়ার কর বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মচ বন্দে উৎকল জননী।